उसने नीचे उतार दिया, बोला है कि यार तू वीडियो बना रहा है तो तू जाके देख ले जाके। ये देखे पहाड़ी देखे यार, पूरी बर्फबारी, VIP किस्म की बर्फबारी, होए पहाड़ी फुल बर्फबारी। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग जैदान से निकल गए हैं दरान के लिए, और तकरीबन ये जो सफ़र है ऑलमोस्ट भी 16 से 18 या 20 घंटे लगते हैं पहुंचने में। तो वो लेट्स सी है कि मतलब हम कब तक उसको पहुंचते हैं, तो बीच बीच में आपको इसको कवर करते रहेंगे, जो हमें अच्छी चीज़ें लगेगी, अच्छा ऐसा लगेगा कि रूट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो हम ज़रूर कवर आपको करके दिखा दें। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखें, जैसे हम जब अपना रमज़ान बॉर्डर से निकले थे, रमज़ान बॉर्डर से जब हम आए थे जैदान के लिए, तो उस वक्त भी इसी तरह के रूट थे, पहाड़ियाँ थी, और अब जब हम जैदान से निकले हैं तहरान के लिए, तो उस वक्त भी इस तरह की रूट्स और पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे ऐसे कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं, जैसे अगर पाकिस्तान में देखें तो हमारे साथ ही होते हैं कि पहाड़ियों के साथ कुछ छोटे छोटे से गांव बने हुए होते हैं, या जैसे कुछ इसके अलावा होता है, वो चीज़ें नहीं हैं सर मौजूद ना। यहाँ पे बिल्कुल ही अलग किस्म की मतलब पहाड़ी है, सिर्फ पहाड़ के साथ कोई रेजिडेंशियल एरिया नियरेस्ट नहीं है, कि छोटा विलेज वगैरह जो होते हैं वो नहीं बने हुए। और आप यकीन करेंगे मतलब यहाँ के रोड है तो बहुत अच्छे, लेकिन हर थोड़ी देर बाद आपके कान जो है ना वो बंद होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि कहीं ऊंचाई और कहीं वापस डाउन नीचे आ रहा होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा इशू होता है। हमारे साथ वही हमारे दोस्त मौजूद हैं जो इन्जॉय करते हैं, और बस बैठे हुए यहीं पर देखते हैं, कवर करते हैं। मेरे सीधा भी अगर आप देखें तो ये पहाड़ियाँ कंटिन्यू, और अगर आप व्यू देखें सिर्फ कि व्यू कितना अच्छा है, ट्रैवल करने का एक अपना ही मज़ा है। लेकिन बस ये बात ध्यान रखनी है कि कान बबल साथ रखनी है, कान ज़रूर बंद होने ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन व्यू नो डाउट आप आएँ आपको ना मजा आए। अब पाकिस्तानी जो राइडर्स जो है ना, मतलब जो लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं, राइड्स लेना चाहते हैं, वो तो रूट पर आए उनको बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसा लगे कि वो गेम चला रहे हैं। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ, ये रूट देखें नीचे बिल्कुल घूमते हुए रोडें और रेस कार बना सकते हैं आप, इसको सामने मंजर देखें। तो इसी तरह मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँगा। अभी मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा बता दें कि हम लोग जैदान से निकले तहरान के लिए, वीडियो पार्ट्स में आपको मिलती रहेगी, और इसमें भी अभी आगे चल के जो भी आता है जिस तरह होता है, इसकी जो स्टार्टिंग दिखाई है आपको, इन शाला आपको कंटिन्यू इसको दिखाते रहें, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि पार्ट्स में ये चीज़ें आती रहेंगी आपके पास। अच्छा, यहाँ पे मुझे पहाड़ियों के बीच में कुछ मकानात भी दिखे हैं, ये कुछ कच्चे से बने हुए भरे हैं या खाली हैं, आई डोंट नो, लेकिन मतलब कैप्चर कर लो। ये बिल्कुल नैनी जो है पहाड़ के, अगर आप देखें बिल्कुल पहाड़ के साथ रास्ता पूरा तंग है, छोटा सा रास्ता, और ये वन वे बना हुआ है, तो ये थोड़ी सी मुश्किलात है। लेकिन ड्राइवर आपके पास मौका हो और ऊपर वाले का रहम करम, आप अच्छी तरीके से जा सकते हैं यहाँ से। आप सिर्फ रास्ते की खूबसूरती देखें, कि आप अज्यूम करेंगे ये ओरिजिनल है, कोई एडिट नहीं, कोई कुछ नहीं, इतनी खूबसूरत पहाड़, माशाल्लाह जो नज़ारे हैं ना, दिल खुश हो जाएगा। वाह वाह यार, क्या बात है यार, बड़ा मज़ा आ गया देख के ना, क्या मंजर है, क्या खूबसूरती है, उफ वाह वाह यार, नो डाउट खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं, कोई जवाब नहीं है, कितने खूबसूरत सफर है। रियलिटी में ये सब चीज़ें आपको नेचुरल जो है ना देखने को मिलती हैं, अगर आप ट्रैवल पर आते हैं। अच्छा, रास्ते में आपको कई चेक पोस्ट मिलती हैं, जहाँ पे अपने रुकना होता है, और वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है, पासपोर्ट वीज़ा वगैरह चेक करते हैं बाय रोड के जब आप आते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने देखा कि इस चेक पोस्ट पर जब हम रुके तो हमारे सामने कुछ पहाड़ियाँ हैं, उसकी बैक साइड पर इनका शहर है ईरान का, वो है शराज लगता है, तो वहाँ पर पहाड़ी पर अगर आप हल्का सा शेड देखेंगे, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जूम करूँ, अगर आप देखें तो ये
सफ़ेद ऊपर से हो रही है, इस पर बर्फ़बारी हुई है, शराज में पीछे बर्फ़बारी है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं तहरान की तरफ, तो वहाँ पे देखते हैं बर्फ़बारी मिलती है नहीं मिलती है। अच्छा, जो अब हम आगे की तरफ बढ़ गए, और मैं जो आपको बता रहा था कि आगे जो है ये बर्फ़बारी हो रही है, मतलब ऐसे जो पहाड़ ऊपर से शेडेड हुआ है, ये कोई धूप का शेड नहीं है, ना इसमें वाइट कलर हुआ है, इसमें बर्फ़बारी हो रही है। अच्छा, ये जो अंकल हैं ये हमें गाइड कर रहे हैं ट्रैवल के हवाले से, खाने पीने के हवाले से। ये आदमी पूरे रास्ते सिर्फ सोता हुआ, खाया सोया, चश्मा लगा के बैठ गया, ये भरपूर इंजॉय कर रहा है और कोई इंजॉय नहीं कर रहा है। ये हम और करीब आ गए, यहाँ पे बैक साइड पे बर्फबारी है, तो आप देखें अंकल ये कौन सा इलाका कहला, शहर 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 बर्फबारी शहर। हमने भी तो सीन काट दिया, हम उनसे पूछे अंकल शहर शहर इलाका इलाका, अबे भाई पाकिस्तान में थोड़ी है। उस बेचारे परेशान हो गया, वो कह रहा है यार मैं इनको क्या बोलूँ, फारसी आती है और इंग्लिश, मतलब इन लोगों को इतनी आती नहीं है, लेकिन फारसी आती है और फारसी हमें नहीं आती, तो ये मुश्किलात तो आपने देखनी है, लेकिन फिर भी ये गाइड कर देते हैं खाने पीने के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से, इतना समझ आ जाता है, लेकिन हम उनसे पूछ रहे हैं शहर शहर। देखें अगर आप बोर्ड देखें, बोर्ड को सिर्फ फकत। अच्छा, इतना सब कुछ रास्ते बनाने का तो यहाँ पे नहीं मिल रहा, लेकिन बस पहाड़ियाँ देखें खूबसूरत खूबसूरत, हम भी देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ देखते रहें, लेकिन ऐसी बात है जब ये हाईवे ख़त्म हो गए तो फिर देखने क्या आते हैं। ये तो पूरा सा व्यू आपको दिखा दिया कि जिसमें बर्फ़ आपने देखी है, जो बर्फ़ बता दी है वो पड़ी हुई है। अच्छा, कैमरा आपको बड़ा हिलता हुआ दिख रहा होगा, इशू ये है कि जब आप ट्रैवल पर होते हैं तो कहीं जम्प्स हैं कहीं कुछ है, वो कैमरा तो हिल रहा ही होता है, तो ये ना समझेगा कि हाथ सर्दी की वजह से कब कब आए थे, वैसे भी जम्प्स वगैरह की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन यार बड़ा मज़ा आ रहा है, आप यकीन करें कि इस ट्रैवल में इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आपको क्या बता सकूँ, क्योंकि हर चीज़ मतलब दिन का, क्योंकि दो दिन तो हमने अभी रात में ही गुजारे तो वो इतना पता नहीं चला, लेकिन दिन में धूप भी है, सीधे हाथ की तरफ मेरे बर्फ पड़ी हुई है, सामने मेरे नॉर्मल है, उल्टा हाथ पे धूप निकली हुई है, मतलब कुछ अलग ही मज़ा है, नेचुरल होती है चीज़ें, और बड़ा अगर आप यहाँ पे आए तो भी बड़ा मज़ा आना है। अच्छा, मेरे सामने देखें इतने प्यारे खूबसूरत से पहाड़ आ रहे हैं, थोड़ा सा हम करीब जाते हैं तो इसको और वाजे करते हैं। तो यार ऐसा एक साल में ट्रैवल बनता है कि यार थोड़े अपने लिए कोई 10-15 दिन निकाले आए, और मेरा तो खुश हुआ भी मैं इसलिए आया कि मतलब आपको भी थोड़ा सा दिखा सके, चीज़ें बता सके, और एक आइडिया हो सके कि भाई हमने किस तरह कहाँ से क्या करना है, क्या से क्या नहीं करना। ओफो, वाह माशाल्लाह, हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये छुप छुप के ना देख रहे हैं, ये हैरानी है, लगते तो पठान से हैरानी। और मेरे सीधा हाथ पे अगर आप ये देख रहे हैं बैक साइड पे जो पहाड़ हैं, इन सब पे बर्फ़बारी हुई हुई है, मतलब ये भी खुदा की कुदरत है यार, ये मतलब एक तरफ बिल्कुल ही धूप, आप देखें जो पीछे इसके धूप भी है, ये क्या खूबसूरत मंजर है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छा ये कैप्चर हो सके उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। वाह 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 वाह, ये इतने खूबसूरत पहाड़ पीछे बर्फबारी का मंजर। अच्छा, उस तरफ मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ तो शेड ज़्यादा है धूप का, जो कवर नहीं कर पा रहा, लेकिन वाह 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 नज़ारे हैं, क्या ही बात है। अच्छा, यहाँ पे अगर रोड्स देखें ना तो रोड्स पे बोर्ड भी लगे हुए हैं कि स्पीड क्या रखनी है, ज़मीन में ही नीचे लिखा हुआ है कि भाई 40 रखनी है, 60 रखनी है या 50 रखनी है, जो भी रखनी होती है स्पीड वो रोड पे लिखी हुई होती है। तो जैसे कि ये पहाड़ी देखें आप, बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, कॉस्टिंग की अगर आप बात करें तो आपको इसकी कॉस्टिंग भी बताता चलूँ। इसकी कॉस्टिंग जो है, आप पाकिस्तान से अगर आते हैं तो आप कराची से अगर बैठते तो कराची में अल मुमताज़ है, वो कार सर्विस प्रोवाइडर है, और इसके अलावा एक अल अब्बास है, ये दो जो है वो गवादा तक की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बस बसेस भी होती हैं और कार भी होती है। पाकिस्तानी रुपीस में अगर बात की जाए तो 17 से 18 हज़ार आपको आपकी कराची में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से पिक करती है, 3 लोग अलाउ करती है, करोला गाड़ी की रेंट भी होती है,
उसके अलावा बस होती है तो बस वो 40 सीटर होती है, उसमें आपको बता सकते 2.5-3 आई डोंट नो बस में 2.5-3 हज़ार ही आते हैं देते हैं वहाँ से, तो वो लेके आपने बॉर्डर तक, वो रमज़ान बॉर्डर पे आपको छोड़ेगी। रमज़ान बॉर्डर से आपने क्लियर करना है, वहाँ कोई पैसे नहीं देने क्योंकि आपने वीज़ा लेना होता है। वीज़े की कॉस्ट जो है वो इंश्योरेंस और वीज़ा फीस जो है वो 3,900 है, उसके अलावा इंश्योरेंस जो है वो 2,000-2,800 का इंश्योरेंस हो जाता है। कुल मिला के कोई 6,000-5,000 समथिंग का कोई अमाउंट बच जाता है, तो इतना कॉस्टली वीज़ा भी नहीं है और वीज़ा आसानी से भी मिल जाता है। तो वहाँ तक यहाँ तक आते आते आपको तकरीबन कोई मेरे हिसाब से पर पर्सन जो है वो 10,000 तो लग जाए। उसने नीचे उतार दिया, बोला है कि यार तू वीडियो बना रहा है तो तू जाके देख ले, जाके कैप्चर कर ले। ये देखें पहाड़ी देखें यार, पूरी बर्फ़बारी, VIP किस्म की बर्फ़बारी। और मैं नीचे की तरफ आऊँ तो मुझे शायद ही आगे जाने नहीं देंगे क्योंकि आगे कोई बैरियर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखें होए पहाड़ी फुल बर्फ़बारी। नीचे ये ओरिजिनल पहाड़ी है जो बर्फ़बारी हुई हुई है। आप मुझे वापस बुला लिया, पहाड़ी की एक व्यू दिखा दूँ। होए क्या व्यू है ये, ओरिजिनल बर्फ़बारी। आ गया वो नज़ारा करीब जिसका हम काफ़ी देर से कर रहे थे इंतजार। करीब काफ़ी करीब तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा व्यू मिल रहा है और अच्छा देखने को मिल रहा है। आप अगर गाड़ी से भी देखें तो क्या बर्फ है पहाड़ी पे, ये जो बता रहा है वो मैं भी नहीं समझ पा रहा, लेकिन ये इतना बता रहा है कि यहाँ पे जो है ना बर्फ पड़ी हुई है और तकरीबन कोई घंटा भर है बुखारी, मतलब यानी कि गर्म तेज चलाएगा। 2 किलोमीटर बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर है, अगर 2 किलोमीटर बता रहे हैं। शहर नाम महान महान है, महान है यहाँ तो हर कोई। किरमान ओके किरमान। अच्छा ये जो बता रहे हैं आप यकीन करें मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग समझ आ जाए तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। चलें तेहरान की जगह हम कुम पहुंचे, वहां पहुंच के आपसे मिलते हैं। अरे कहां जा रहे हो, बेल आइकन पे क्लिक करके हमें लाइक सब्सक्राइब और फॉलो तो करते जाओ।